नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। कुछ नई जानकारियां, नई अपडेट आपके लिए, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अपडेट किया जाता है, तो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर और साथ ही साथ जो आपका पीजी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होना था जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है, वो 12 और 13 जून को होना था, आप सभी को पता है, उसको पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन स्टूडेंट के मन में संशय है कि अब ये एंट्रेंस टेस्ट है जो कब होगा, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए उसकी अपडेट लेकर आया हूँ। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैमरा ऑन होने की बात है उसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट डरे भी हुए हैं, तो NSUI ने काफ़ी मांगे रखी है, वहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको कैमरे से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ अपनी तैयारी कीजिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो पहले तो आप ये पॉजिटिव थॉट रखिए, कैमरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे यूनिवर्सिटी कुछ भी बोले कि आपका इमेज प्रोक्योरिंग सिस्टम होगा जिसमें इमेज क्लिक हो जाएगी, अगर आपका कोई नेटवर्क इशू भी होता है तो उसमें भी आपकी इमेज कैप्चर करेगा वो और अपलोड करेगा, तो आप थोड़ा शांत रहिए और अपनी तैयारी रखिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो मैं आपको इसमें पूरी अपडेट दिखा देता हूँ। तो जो पहली अपडेट है वो आपके पीजी के एडमिशन के लिए है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी अब की बार मेरिट के आधार पर भी हो सकते हैं जो पीजी के एडमिशन है, क्योंकि आपका एंट्रेंस टेस्ट था 12 और 13 जून को जिसको पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन उसकी अब डेट कब आएगी ऐसा कुछ नहीं पता है। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने तैयारियां नहीं थी इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, और इसकी वजह जो है कोरोना बताया गया है। और साथ ही साथ इसको लेकर कि आपके मेरिट के आधार पर एडमिशन होंगे या एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये जो स्थिति आपकी 20 जून तक जो है स्पष्ट हो जाएगी। तो 20 जून तक आप वेट कर लीजिए, उसके 20 जून तक आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा या मेरिट के आधार पर आपके पीजी के एडमिशन होंगे। तो ये थी आपकी बात पीजी के एडमिशन के लिए। और उसके बाद जो अगली अपडेट है वो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके VC साहब हैं प्रोफेसर जगत भूषण जी, तो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, अब वो आपके VC रहेंगे 2024 तक, वाइस चांसलर के पद पे बने रहेंगे, तो उन्हीं को कंटिन्यू कर दिया है। उनका कार्यकाल जुलाई में ख़त्म होना था, तो उसको जो आप हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने बढ़ा दिया है। और उसके बाद जो अगली अपडेट है वो आपके एग्ज़ाम को लेकर, जितनी भी आपके एग्ज़ाम में खामियां हैं जैसे उनको दूर करने की बात यहाँ पे की गई है। SFI और NSUI ने कल ज़ोरदार प्रदर्शन किया है आपके VC कार्यालय के बाहर, और इसमें उनकी क्या मांगे थी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, उन्होंने बताया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो छात्रों की मांगों को लेकर कल पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ोरदार हल्ला बोल कर दिया है, ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ है। मंगलवार को SFI ने पुस्तकालय प्रयोगशालाएं खोलने की मांग की है, और इसी तरफ जो NSUI थी उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा की खामियों को दूर करने का प्रदर्शन किया है। और पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का निपटारा कर दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान SFI थी उन्होंने बोला कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन्हें एक एग्जैक्ट डेट बताई जाए कि ये सब मांगे जो है कब तक पूरी कर दी जाएंगी, वह शाम तक जो है वहाँ पे प्रदर्शन करते रहें। तो उन्होंने काफ़ी मांगे रखी है कि जो हमारा पुस्तकालय है, जो हमारा लाइब्रेरी है, उसको ओपन किया जाए, क्योंकि जो PhD स्कॉलर हैं वहाँ पर काम करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, उनको दिक्कत आ रही है, ठीक है, प्रयोगशालाएँ भी बंद हैं, तो उनको ओपन किया जाए। और इसी तरफ यहाँ पर जो NSUI है उन्होंने आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो खामियाँ उसको लेकर प्रदर्शन किया, और यहाँ पे आपका जो ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें जो आपके NSUI के कार्यकर्ता अध्यक्ष थे वहाँ पे निखिल नरमेट्टा जी, उनके नेतृत्व में VC कार्यालय के बाहर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे बैठक की, ज़ोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा देते समय जो कैमरे की बात रखी गई है वो गलत है, कि यदि कैमरे से कोई छात्र हटता है या बंद हो जाता है तो परिणाम में भी दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट है इसका विरोध करते हैं, और साथ ही साथ काफ़ी जो स्टूडेंट है 70% लगभग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, लद्दाख और कश्मीर की साइड तो आप सभी को पता है वहाँ से भी स्टूडेंट है, तो उनको भी दिक्कत होती है, और बंगाल बिहार इस तरफ तूफान से प्रभावित है तो वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, और ऐसे में कैमरे की जो बाध्यता है उसको हटाया जाए। तो NSUI ने ये स्टूडेंट के हक में बात रखी है, और स्टूडेंट के हक में इन्होंने एक और बात रखी है कि जो गोल्डन चांस के विद्यार्थी हैं उनकी भी परीक्षा जो है वो जुलाई में करवाई जाए,
और इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और आश्वासन दिया गया है कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द जो है निपटारा कर दिया जाएगा। तो अब आप सभी स्टूडेंट को घबराने की बात नहीं है, तो जो भी यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा, जब भी आपकी गाइडलाइन आएगी आपको बता दिया जाएगा। आप कैमरे की प्रॉब्लम से जो है दिक्कत मत लीजिए, आपका एग्ज़ाम सही होगा, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तो आगे जो अपडेट आती रहेगी बताता रहूँगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।